आदर भाई अभी बताओ इस बकरी के साथ क्या सीन है। ये बकरी अभी 2.5 महीने की है और ये इसका भाई और ये आपस में खेल रहे थे आगे पीछे, बस कुर्सी पे चढ़ी है और वापस जैसी कूदी है तो स्टैंड नहीं कर पाई और इसका ये निकल गया है और उसी दिन से इसका पैर अभी जमीन पे नहीं रख रही है। ठीक है, तो अभी तो आपने दिखाया भी होगा ना कहीं पे से? हाँ दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि अब जो एक्सपर्ट्स हैं वही कर पाएंगे बट उनके पास कोई इलाज नहीं इसका। ठीक है, तो कोशिश है फिर भी इसको सही करने की, बाकी अल्लाह ताला शिफा दे। ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं, तो वही कोशिश के लिए कादर भाई को द्वारका से बुलाया कि भाई थोड़ा सा हम बकरों से प्यार करते हैं तो अगर सही हो जाएगी तो हमें भी खुशी होगी। मुझे ये बताओ ये मामला भी कैसा समझ में आ रहा है आपको? देखो इंशाल्लाह ये बकरी तो सही हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, इसके शाने में चोट आई है, ये जब ये बकरी ये शाना कहते हैं इसको, उसको शाना बोलते हैं। ठीक है, ये पोचा होता है, ये पोचा है। हाँ ठीक है, दोनों तरफ चोट लगी है। ठीक है, ठीक है, ये सूजन आ गई, गोश्त इसका फट चुका है अच्छे अंदर से, तो इसकी दवाइयाँ चलेंगी। ठीक है, कैल्शियम की, प्रोटीन की, एंटीबायोटिक जो होती है वगैरह वो चलेंगी। ठीक है, और इसका हम प्लास्टर बांधेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बाकी शिफा देना अल्लाह के हाथ में। हाँ। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये भाई गए थे कातिल भाई, सब जगह इन्होंने दिखाया कि ये सही नहीं होगी, तो हम इंशाल्लाह कोशिश और मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो डलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी जो दिखाने का मकसद यही है थोड़ा सा कि लोगों को पता लग जाए, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं तो ये भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हमारे थ्रू थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है कुछ जगह बिठाने के लिए। ये क्या प्रैक्टिस है दिलशाद भाई? हड्डी सेट हो जाती है जगह पर, हड्डी सेट करने के लिए किया जा रहा है, तकलीफ है ना इसको, सूजन है, सूजन की वजह है। बच्ची अभी छोटी सी है, कितने कितने महीने की है अभी? 2.5 महीने की है, 2.5 महीने की, आने वाली 15 तारीख को, ये 3 महीने की, 3 महीने की हो जाएगी। चलो अल्लाह शिफा दे, बाकी दुआ हमारी बेहतर हो जाए अगर किसी के भी जरिए से। बाकी थोड़ा सा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, पता लग जाए, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं एकदम, तो घबराए ना, थोड़ा सा वो ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर आसपास भी नहीं है तो खुद भी कर सकें घर पे। तो अभी ये पाउडर जो है दिलशाद भाई ये क्यों डाल रहे हैं अभी हम? पाउडर इस वजह से डालते हैं आरिफ भाई, ताकि इसके जो बाल है स्किन के जले ना, जले नहीं, क्योंकि प्लास्टर जो होता है गर्म होता है, गर्म होता है, स्किन को जला देता है। ठीक है, और पाउडर का नाम क्या है? तो ग्लोसिप पाउडर कोई सा भी डाल सकते हैं, कंडीशन नहीं है कुछ यहाँ पे, तो ये इसलिए डाला जा रहा है ताकि प्लास्टर जो होगा वो गर्म होगा, इसकी स्किन वगैरह ना जले, तो ये बेहतर है इसके लिए, आसानी से बन जाता। अच्छा, इसको प्लास्टर वगैरह करने के लिए सुन तो नहीं करेंगे? नहीं, सुन करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, इसके इतनी तकलीफ नहीं, हड्डी नहीं टूटी, अगर हड्डी पूरी तरीके से टूटी हुई तो सुन करके करते हैं। ठीक है, बढ़िया, ग्लोसिप का पाउडर डाला है, का पाउडर डालने के बाद जो है ये कॉटन लगाई जाएगी जहां तक प्लास्टर होगा, है ना? इसमें बता दूं ये प्लास्टर जो मैं बांध रहा हूँ ये हड्डी नहीं टूटी, ये जो पोचा होता है ना, ये जो इस पे ये पोचा उतरा हुआ है इसका, ये जो हिल रहा है, हाँ ये यहाँ जोड़ होता है, ये जोड़ नीचे आ जाता है इसकी वजह से नहीं लगा, अब ये प्लास्टर से इसको सपोर्ट भी मिलेगी और ये इंशाल्लाह सीधा पैर रखेगी। अच्छा, दूसरी तकलीफ जो ये इसका आप देख रहे हो गोश के ऊपर सूजन है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट होगा, इसकी दवाई चलती रहेगी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर होगी। तो ये जो रुई लगा रहे हैं पूरे लगाएंगे या थोड़ा से कितने पार्ट पे लगेगी? बस यहीं तक लगेगी, यहीं तक लगेगी। ठीक है, ज्यादा भारी इस पे बांध नहीं सकते प्लास्टर, क्योंकि यहाँ चोट है, यहाँ चोट है। आगे लेना डब्बा, जरा सा मुझे दिखा देना, पहले प्लास्टर को जो है पानी में भिगोया है ना, कितनी देर भीगता है? बस हो गया। ठीक है, मुश्किल से मतलब 30 सेकंड भी, 30 सेकंड, 30 सेकंड का काम है, बस ये हो गया। ठीक है, तो प्लास्टर कैसे होता है जानवरों पे वो आज आप देख लें, आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में तो देखा होगा लेकिन, और आप यहाँ पे भी देख लें कि प्लास्टर वगैरह कैसे होता है।
बाकी तकलीफ तो उसे हो रही होगी ना अभी। नई नई चीजें हैं गोट फार्मिंग में, बकरेबाजी में, जो हमें सीखने को मिलती है। तो यही मोटिव है थोड़ा सा, मैं चाहता भी हूँ कि लोग थोड़ा सा इस चीज पे भी तवज्जो दें, खरीद फरोख्त के अलावा जो बकरों की मेडिसिन हैं, बकरों की फीड्स हैं, इससे बहुत सीखने को मिलता है लोगों को। कई जगह ऐसी है कि कई बंदे सिर्फ मुनाफे की तरफ भागते हैं कि हमें बच्चा मिल जाए, हम उसे खिलाएं और हमें मुनासिब मुनाफा मिले, तो उसकी तरफ नहीं देखते। अब मान लीजिए ये किसी से सेल या कसाई के पास होता है, अब तक मामला इसका खत्म हो रहा था, खत्म हो चुका होता हाँ। क्योंकि वो उस तरफ इतना ध्यान नहीं देते। अब हमने इसे शायद ब्रीडिंग के लिए या फिर इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ रहे तो हम अल्लाह में से बचाए तो हम अपना आगे इसके थ्रू अपना बिल्कुल शुरुआत। तो ऐसी ऐसी वीडियोस जो है, अगर आप जो भी देख रहे हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा तवज्जो दें। अगर जानकारी है तो उसको दूसरों के साथ शेयर जरूर किया करें। छोटी छोटी बातों से ही बहुत सीख मिलती है। आज आपने देख भी लिया कि बकरे को या बकरी के बच्चे को प्लास्टर किस तरीके से किया जा सकता है। ये सेम प्रोसेस अगर इसके अलावा कोई कैट होती या डॉग होता तो वही रहता ना, सेम प्रोसेस रहता। उसमें मैटर याद, अगर हड्डी टूटी हुई है उस हड्डी को बिठाकर, उस हड्डी को बिठाकर उस हिसाब से प्लास्टर होता है। ये हो गया प्लास्टर और 10 मिनट कम से कम हमें इसको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा ताकि ये सूख जाए, उसके बाद होगा बाकी के ट्रीटमेंट सारे। प्लास्टर वगैरह तो हो गया, अभी इस पे इंजेक्शन लगाया जाएगा, वो कौन सा लगाया जाएगा दिलशाद भाई? हरीश भाई मैं इसको लगाऊंगा आर्टिजोन, या आर्टिजोन सूजन उतारने के, सूजन उतारने के लिए, एंटी एलर्जी के लिए। ठीक है, और कितने एमएल लगेगा इसके? 1.5 ml लगेगा। 1.5 ml लगेगा। इसके फायदे क्या है लगने से? इसके फायदे यही है, इसको इसकी चोट को आराम मिलेगा, इसके जख्म जो हो रहे हैं अंदर हाँ, और सूजन कम होगी, सूजन कम होगी। ठीक है, एक तो योग्य, इसके अलावा भी और कोई सा लगेगा? अच्छा, ये गोश्त में लगेगा या खाल में लगेगा? गोश्त में लगेगा ये। ठीक है, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, ये सूजन का लगा दिया और आपको बता दिया किस नाम से। अभी लगेगा दूसरा वाला भी? आर्टिजोन। और ये दूसरा इंजेक्शन जो है ये किस लिए लगेगा? हरीश भाई ये ट्रेबीवेट। एक मिनट फोकस करने दो मुझे जरा सा, थोड़ा सा ट्रेबीवेट। ठीक है, ये किस लिए है? ये ताकत के लिए होता है। अच्छा, की ताकत के लिए, पैरों की ताकत के लिए होता है। ठीक है, और ये कितना एमएल लगेगा? ये 2 ml लगेगा। 2 ml लगेगा, ताकत आया जिससे हर तरीके से। ठीक है, और ये क्या खाल में या गोश्त में? ये भी इंटरमस्कुलर है। ठीक है, 2 इंजेक्शन अभी लगाए गए हैं इसके, एक तो सूजन कम करने के लिए और दूसरा लगाएंगे इसकी ताकत, नसों की ताकत जो इसको बहुत जरूरत है। ठीक है, ये लग गया, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका है और अभी खड़ी है, देख लो आप, इंजेक्शन वगैरह सब हो चुका है इसके। थोड़ी बच्ची है अभी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लेकिन बेहतर की उम्मीद है अल्लाह से। ठीक है, तो भाई अच्छी नॉलेज लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करते हैं, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।